नगर पालिका परिषद सारणी के अंतर्गत आने वाले 36 वार्डों में निवास करने वाले लोगों को जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 102 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल पहुंचाने की लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। इंटरवेल पर बिजली पहुंचाने के लिए छोटे बड़े विभिन्न प्रजाति के लगभग 500 पेड़ काटने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन इन पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी के अलावा आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्य नगर पालिका कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर 500 विभिन्न प्रजाति के पेड़ ना काटे जाने की गुहार लगाई गई है। जबकि जिन स्थानों पर पेड़ों को काट कर बिजली के खम्भे लगाए जाने हैं, वहाँ भूमि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की है और एक साल पहले जॉइंट वेंचर के माध्यम से वन विभाग मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का सिविल विभाग नगर पालिका और जल आवर्धन योजना के माध्यम से किन किन पेड़ों की छटाई एवं कटाई की जा सकती है उन्हें चिन्हित करने का कार्य किया गया था, लेकिन वन विभाग के माध्यम से पेड़ों की कटाई पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि बिजली के खंभे लगाने में जहाँ पर ऐसा लगेगा कि पेड़ों को काटना अति आवश्यक है तो ही पेड़ कटेंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन 500 पेड़ों के न काटने को लेकर 150,000 लोगों के घरों में पेयजल की व्यवस्था बाधित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पर्यावरण प्रेमी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी केवल अखबारों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जबकि पर्यावरण प्रेमी और आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मामले में वन विभाग और नगर पालिका क्या रुख अपनाएगी। सर, ये जो पेड़ की कटाई का जो मामला है, ये क्या मामला है सर? ये क्या है, 2007 के अंतर्गत जो राजपत्र में नगर पालिका के सीएमओ को जो अधिकार दिया है उसके अंतर्गत है। कोई भी विकास योजना जो जनता से जुड़ी है उसके अंतर्गत एमपीपी ने उसका सर्वे किया था। जो सर्वे ज्वाइंटली हुआ है एमपीजीसीएल, एमपीपी और नगर पालिका द्वारा और फॉरेस्ट द्वारा, इसमें लगभग 500 पेड़ कटने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी जी। वो हमने उनको दे दिया है, लेकिन जब पोल लगाएंगे तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ हम लोग प्रयास करेंगे पेड़ ना कटे छटे, और जनता को जो सुविधा मिलना है, जो लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन को इसका जल प्रदाय की योजना का लाभ मिलेगा, जो शासन की योजना लगभग 100 करोड़ की है। ये इसमें सर जो जल आवर्धन विभाग है, इन्होंने सर पेड़ों की कटाई के एवज में उसके 4 गुना पौधे के पैसे जमा करवाए हैं कि नहीं सर? अभी इन्हें जो पेड़ कटिंग है उसके पैसे पर पेड़ 500 के आधार पर जमा कर दिया है। इस जो पेड़ कटेंगे उससे 4 गुने पेड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ लगाया जाएगा। नगर पालिका परिषद सारणी के सामने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? आम आदमी पार्टी के द्वारा आज यहाँ पर नगर पालिका के समक्ष जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्यावरण बचाव को लेकर है, वृक्षों की हत्या को रोकने को लेकर है। पर्यावरण प्रेमी जो यहाँ पर आदिल खान जी उपस्थित हैं, इनके द्वारा विगत कई दिनों से जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास किया गया, संबंधित सरकार के विभागों को जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। इन वनों की हत्या से, वृक्षों की हत्या से कोई भी लेना देना नज़र नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ पर 500 पेड़ों की जो हत्या कर रही है मध्य प्रदेश में बैठी हुई भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि और यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को यहाँ के कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के सामने आज हम यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से उपस्थित हुए हैं कि वृक्षों की कटाई को रोका जाए, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कराया जाए, भारत देश में कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग में लाया जाए। सिर्फ वृक्षों की कटाई करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे भारत देश में हमने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने परिवार के सदस्यों को खोया। ऑक्सीजन की वायुमंडल में जो कमी हो रही है जिसके कारण जो है कोरोना काल में हमने इसका जो है हर्ष था वो भी देखा है। आम आदमी पार्टी आज एक दिवसीय धरने पर यहाँ बैठी हुई है
और निश्चित तौर पर अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम वृक्षों के पास में जाकर उनको गले लगाकर हम इस हत्या को रोकने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो आज वृक्षों को कटाई को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें कितने पौधे काटे जा रहे हैं? इसमें लगभग 500 हरे भरे और स्वस्थ वृक्षों को काटा जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के वृक्ष शामिल हैं। परंतु ऑन पेपर जो रिपोर्ट तैयार करी गई है, घने जंगल के बीच में से बिजली की लाइन ले जा रहे हैं, और ऑन पेपर रिपोर्ट में मात्र 4 प्रजाति के पेड़ों को ही लिखा गया है और उन सबको अस्वस्थ या मरण स्थिति में बताया गया, जो कि पूर्णतः गलत है, और इसे गलत बता करके पूरा जंगल काटने की तैयारी की जा रही है। अपना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादातर सागवान के ही पौधे लगाए जाते हैं, ऐसे में ये जो 500 पेड़ काटे जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रजाति के पौधे ज़्यादा है? एक जंगल होता है उसमें विभिन्न तरह के पौधे होते हैं, और इसमें महुआ है, तेंदू है, सागवान है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजाति के वृक्ष हैं। जो भी चाहे वो जंगल में जाके स्वयं देख सकता है, पेड़ों पर नंबर भी डले हुए हैं। इस विषय में शिकायत कहाँ कहाँ की गई? मैंने वन विभाग में शिकायत की थी, और मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड में, MPUDC में, और जितने भी अन्य संबंधित विभाग हैं, सभी जगह शिकायत भेजी है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सारणी से गिरीश पांडे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।